बिना संगम भानेगांव में अनेक वर्षों से प्रलंबित पड़ी विविध मांगों को लेकर बेकोली तथा महाजनकों के खिलाफ अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया। पुनर्वसन समिति की ओर से निवेदन जारी कर बताया कि बेकोली में रोजाना हो रही दगान के चलते बिना संगम भानेगांव के कच्चे पक्के मकानों में दरारें पड़ रही है, जिससे स्थानीय लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है, साथ ही उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ओपन कोल माइन से समीप के गांव को बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। बेकोली द्वारा कोयला ले जाने के लिए बड़े बड़े वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई है। बेकोली व महाजनकों से बड़े पैमाने पर धुएं व धूल राख का प्रदूषण अपने चरम पर है, जिससे क्षेत्र में पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। क्षेत्र की अधिकांश जमीन बेकोली ने अधिग्रहित करने से स्थानिक लोग तथा युवा बेरोजगारी के शिकार हुए हैं। इन सब की वजह से परेशान होकर स्थानिक संघर्ष समिति ने बिना संगम व भानेगांव को जल्द ही जगह निश्चित कर पुनर्वासन, नागरी व्यवस्था तुरंत निर्धारित करना, मकानों का उचित मूल्यांकन करके पीड़ितों को प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र देना, बेरोजगारों को रोजगार, बचे किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की गयी। अनशनकर्ताओं से आंदोलन स्तर पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, जिला परिषद सदस्य नाना कंभाले, किशोर बर्डे ने मुलाकात की। इस अवसर पर सरपंच नंदा जांगले, विजय पाटिल, वामन भड़ंग, गंगाधर निखाड़े, हर्षवर्धन गजपी, अरविंद गोरखेड़े, बंडू महाजन, उदय सिरिया, दिवाकर निखाड़े, राहुल धेटे, भिवा तांडेकर आदि मौजूद थे। साखळी उपोषण ठेवण्यात आले आहे, तरी डब्ल्यू सेलच्या जो त्रास आहे तो लोकांना होत असल्यामुळे घरांना भेगा पडलेल्या आहे, रोजगार महिलांना रोजगार मिळत नाही, रोजगाराची समस्या आहे, पाणी शेतकऱ्यांना पाण्याची समस्या आहे, विहिरीला हँडपंपला पाणी, आता उन्हाळ्यामध्ये पाणी टंचाई होणार आहे, त्याकरता सर्व गावकडे मिळून साखळी उपोषण करण्यात आलं आहे। म्हणून जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत WCL आणि महाजनको यांचे काम आम्ही बंद करणार आहोत। आम्ही सर्व गाववासी सामूहिक पद्धतीने हे साखळी उपोषण कालपासून करीत आहोत आणि हे उपोषण बेमुदत आहे। जोपर्यंत जमीन घोषित करत नाही स्टेट गव्हर्नमेंट तोपर्यंत आम्ही हे साखळी उपोषण कायम स्वरूपी ठेवणार। या साखळी उपोषण का कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम इसीलिए है क्या खदान के खोदकाम के वजह से मकानों में दरारें आ गई है और मकान के स्लैब के टुकड़े गिरने लग गए हैं। ऐसा डर पैदा हो गया है कि कब ये दगान के वजह से मकान की स्लैब गिरेंगी और कब हमारी जान हानि होंगी, इसका एकदम डर पैदा हुआ है खदान के वजह से। और दूसरा नदी के वजह से, नदी का पूर इतना भयंकर हुआ था कि जिससे गांव के कम 70-80 मकान डूब चुके थे और इतनी खराब परिस्थिति आई थी कि जान बचा करके भागना तो भागना था। इसलिए ये उपोषण चालू है, तो ये उपोषण के माध्यम से WCL और महाजनकों ने गांव का पुनर्वसन जल्दी से जल्दी करके देना, ऐसी हमारी इच्छा है। प्रकाश सूर्यकर हा बिना गाँव का रहिवासी है आणि माझे मूळ स्थान भी है। माग हा गावामध्ये पुराचे असं प्रमाण झालं कि गाव पुरा हादरलेला होता आणि गाव असं होतं कि तुम्ही वाचणार किंवा नाही वाचणार अशी म्हणजे सगळ्याच्या मनामध्ये अशी बाब होती। पण दुर्दैवानं परमेश्वराचा काहीतरी हे योग होता आणि ह्या जो पाणी जो पुराचे जो पाणी आहे ह्या WCL मध्ये गेला आणि काही गावामध्ये पण आला आणि काही गावाचे घर काहीतरी डुबले। BCN News के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।